दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के संदर्भ में आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार 20 तारीख के इस डॉक्यूमेंट के डीवी के संदर्भ में आज के डेट में कितने अभ्यर्थियों ने डीवी को स्किप किया है। तो बिल्कुल इस अपडेट को इस वीडियो में साझा करेंगे। देख भी पा रहे हैं, लिखा जा रहा है आज कितने लोग डीवी स्किप किए हैं और दोनों शिफ्ट में आपके कॉमेंट आ रहे हैं। हालांकि दो शिफ्ट में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, बट इन दोनों शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि कितने लोगों ने स्किप किया है। आगे आज और कल यानी 19 तारीख से डीवी स्टार्ट है, 19 और 20 तारीख इन दोनों डेट में कितने लोगों ने स्किप कर दिया है, पूरी अपडेट्स हम आपके बीच में साझा करेंगे। नीचे यहाँ आपके लगातार कॉमेंट आ रहे हैं कि आयोग के सख्त तेवर 80-82 मार्क वाले। जाहिर सी बात है, आयोग पहले ही ये चीज़ें स्पष्ट किया था कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस होंगे तो उस वक्त जो है जो भी भर्ती परीक्षा में फ्रॉडबाजी किए थे उनके संदर्भ में मुहिम चलाकर इनको पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आखिरकार क्यों नहीं हुआ, पूरी तरह से इस वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपके बीच में हम दिखाना चाहेंगे ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये 19 तारीख की डॉक्यूमेंट्स की फाइल आपके बीच में है। 19 तारीख को जो है आपको पता है पर डे 350 लोगों को ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है कि 350 लोग जो है डीवी को कराएंगे। यहां देखिए 19 तारीख को फर्स्ट मीटिंग में 331 लोग उपस्थित रहे जिसमें से 19 लोग अनुपस्थित रहे। ठीक है, अगला आप यहां देख पा रहे हैं लेखपाल सेकेंड मीटिंग डीवी में जो है 350 लोगों को उपस्थित होना था बट इसमें से 311 लोग उपस्थित रहे और इसमें से भी लगभग 39 लोगों ने डीवी को स्किप कर दिया है। ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि ये एडिटिंग किया गया चीजें हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने खुद जो है एडिट किया है। हाँ, ये चीजें सही है कि एडिट मैंने ही किया है, बट यहां ध्यान रखिएगा बिल्कुल ऑफिशियल है। जब डाटा आपके बीच में आएगा आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा। यहां देखिए ओवरऑल पहले दिन 700 में से 58 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ठीक है, ये चीजें तो जो है कल की हो गई, बट आज आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं। देखिए 20 सितंबर को लेखपाल की डीवी का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रहा, अनुपस्थित 122 लोग के आसपास में और लड़कियों की डीवी स्किप हो रही है। ठीक है, लड़कियों की भी जो डीवी का स्किप अभियान है वो कहीं ना कहीं बेजोड़ रहा है, इनकी भी डीवी को स्किप तमाम तरह के अभ्यर्थी करवा रहे हैं। यानी आज और कल को टोटल आज 122 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और इसके पहले 58 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ठीक है, यानी लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 200 का आंकड़ा दो दिन में ही पहुंच चुका है। ठीक है, अगर इसी तरह से डीवी स्किप होती रहे तो ये मानकर चला जा रहा है कि टोटल 27,000 में से करीब 4,000 अभ्यर्थी जो है डीवी को स्किप कर देंगे। अगर 4,000 अभ्यर्थी डीवी को स्किप करते हैं तो जो आपकी कट ऑफ 78-80 बताई जा रही थी ना, वो कट ऑफ डायरेक्ट जो है 75 पर आकर खड़ी हो जाएगी। इस चीज को आप नोट करिएगा। अब यहाँ एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, जो फ्रॉड अभ्यर्थी है कुछ अभ्यर्थी इस चीज़ को अपील कर रहे हैं। प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करके माननीय सचिव जी तक अवश्य पहुंचाइए। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कल अभ्यर्थियों के डीवी के अनुभव के अनुसार साल्वर गैंग को पकड़ने के लिए आयोग के पास स्पष्ट योजना है, लेकिन जो महानुभाव किसी माध्यम से पैसे या प्रश्न पत्र प्राप्त करके 85+ मार्क ला कर बैठे उनको पकड़ने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। एक महानुभाव स्वयं बता रहे थे कि हम जो है 10 लाख रुपये देकर सेटिंग किए थे, इसमें जो है 86 मार्क्स हैं और सकुशल डीवी कराकर हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अतः हमें आयोग तक यह बात पहुंचानी चाहिए, जितने भी सेंटर जो है लेखपाल परीक्षा के बाद ब्लैक लिस्ट हुए हैं उन सेंटर पर अभ्यर्थियों की सघनता से जांच किया जाए और सीसीटीवी की फुटेज का भी सहारा लेकर इनको जो है पकड़ने की कोशिश की जाए। सचिव जी को जो अपना वादा जो है किया गया निभाना चाहिए, एक भी गलत अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जितने भी फ्रॉड अभ्यर्थी हैं, जितने भी ब्लैक लिस्ट अभ्यर्थी हैं या कहा जाए ब्लैक लिस्ट सेंटर हैं, उनके जो है सीसीटीवी को भी जो है निगरानी में रखा जाए कि आखिरकार उनको पूरी सघनता से जांच किया जाए कि इसमें कैसे अभ्यर्थी हैं, कहीं अनुचित साधनों का प्रयोग तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें अपनाई जाती हैं तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्किप हो पाएगा। यहाँ हालांकि आयोग के तेवर कुछ सख्त नज़र आ रहे हैं, फिलहाल के लिए अब कल क्या कुछ कैसे होता है
सकता है। आज की अपडेट्स तो आपने जान लिया कि लगभग 122 अभ्यर्थी जो है डीवी को स्किप किए हैं। अब कल कितने लोग डीवी को स्किप करते हैं जो है कल के वीडियो में हम आपके बीच में साझा करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।